किटी खदान पुलिस को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध हथियार लेकर घूम रहे एक रिकॉर्डर आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गजानन कल्याणकर ने अधिक जानकारी साझा की। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के आदेश पर शुक्रवार को गिट्टी खदान पुलिस गश्त पर थी, जिस दौरान उन्हें गुप्त जानकारी मिली कि जगदीश नगर निवासी आरोपी अब्दुल मनान मोहम्मद रहमान के पास अवैध हथियार है, जिसके बाद उस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और आरोपी से एक देसी पिस्तल और 5 कारतूस ऐसा कुल मिलाकर 46,000 का मुद्देमाल जब्त किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गजानन कल्याणकर ने अधिक जानकारी साझा की। माननीय पोलीस आयुक्त नागपूर शहर यांचे आदेशान्वये पोस्टे हद्दीतील अवैध व्यवसाय व रेकॉर्डवरील गुन्हेगार यांची तपासणी मोहीम सुरू आहे। त्या अंतर्गत काल दिनांक 30/7/2021 रोजी माननीय पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 2 विनीता साहू मॅडम, तसेच सहायक पोलीस आयुक्त सदर विभाग सुधीर नंदनवार साहेब यांच्या मार्गदर्शनात जगदीश नगर परिसरात आरोपींची झाडाझडती घेत असताना पोस्टेच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार अब्दुल मनान मोहम्मद रहमान याच्याकडे एक अवैध अग्निशस्त्र असल्याची माहिती मिळाली होती। त्यावरून त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडे एक विनापरवाना देशी अग्निशस्त्र मिळून आलेलं आहे। त्यावरून आरोपीच्याकडून ते शस्त्र जप्त करण्यात आलेलं आहे आणि त्याच्याविरुद्ध भारतीय हत्यार कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। गिरफ्तार आरोपी पर इसके पहले भी कई मामले दर्ज है, जिसके चलते कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।